Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Motion of Bengal में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आ गए हैं प्रीमियर होंडा उत्तरपाड़ा शोरूम में। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और हुगली डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप प्रीमियर होंडा उत्तरपाड़ा शोरूम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम का कांटेक्ट और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे होंडा SP 125 BS6 के बारे में, जो कि 125 CC सेगमेंट में मार्केट में बहुत ही फेमस, बढ़िया और ज़बरदस्त गाड़ी है। बात करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जो कि फुल्ली डिजिटल है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल जाता है। इसमें अभी इंजन किल स्विच दिया गया है, जो कि 125 CC सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ साथ इसमें टर्न सिग्नल इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाता है और हॉर्न स्विच, पास एंड हाई बीम लो बीम स्विच इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गियर पोजिशन, इंजन मेल फंक्शन लाइट, हाई बीम लो बीम लाइट, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, पास लाइट और बहुत सारा फीचर्स देखने को मिल जाता है। रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज, क्लॉक और बहुत सारा मॉडर्न फीचर्स इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलता है। बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इसमें अभी 124 सीसी का 4-स्ट्रोक FI इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 10.8 bhp का और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 rpm में। इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन गियर देखने को मिलता है और VS6 होने के कारण होंडा क्लेम करता है कि 16% मोर माइलेज अब इस गाड़ी में मिल जाता है। इसका हेडलाइट फुल्ली LED है और इसका हेडलाइट का नाइट विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। देखने में ये हेडलाइट बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका टेल लाइट हैलोजन टाइप है, लेकिन यह देखने में LED लाइट देखने को लगता है। इसमें नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टाइप टर्न सिग्नल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इस बाइक का लेंथ है 2020 mm और ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm। होंडा ने इसमें 3D क्रोम का बैचिंग दिया है। इसका ग्राफिक्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो कि इस बाइक को और भी प्रीमियम लुक एफर्ट करता है। इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। सेल्फ के साथ साथ इसमें किक स्टार्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। पिलियन राइडर के लिए इसमें साड़ी गार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसका चेन फुल्ली कवर्ड है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस बाइक है। ये बाइक डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है और इसके फ्रंट व्हील में 240 mm का डिस्क है, जो कि CBS या कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में काम करता है। इसमें 80x100 और 18 inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है और इसमें 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है। इसका साइलेंसर भी बहुत ही बढ़िया है और इसके साइलेंसर के ऊपर एक स्टील का गार्ड दिया गया है। इस बाइक का एग्जॉस्ट रोड आपको सुनाना चाहूँगा। इसमें साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। में इसका डिस्क वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 79,006 rupees और इसका ऑन रोड प्राइस है 95,728 rupees। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर या लाइसेंस रिन्यूअल करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट में संपर्क करें और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। टिल देन स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू सो मच।